हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनसोम्निक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वोकल्स को मिक्स। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको एक फ्री प्लगइन के बारे में बताया था फ्रेश एयर स्लेट डिजिटल की तरफ से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है सो कार्ट में मिल जाएगा लिंक, जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज, आज इस वीडियो में जो हमने वोकल्स लिए हैं ये ट्रैक ऑलरेडी यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाके चेक कर सकते हो। सिंगर है ईशा अरोरा एंड जो गिटारिस्ट है यूकेलेले प्लेयर है वो है कुणाल सिंह। दोनों के चैनल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर इंटरेस्टेड हो सो जाके कर सकते हो चेक। ये जो ट्रैक है ये कोई प्रोफेशनली रिकॉर्डेड इतना नहीं है, हाँ कंडेंसर माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड है, बट ये हमने ऐसी मजाक में बैठे थे, ट्रैक थोड़ा सा ऐसी गा रहे थे, जैमिंग कर रहे थे, सो एक ट्रैक अच्छा लगा सो हमने रिकॉर्ड कर लिया। सो जब मैं इसको मिक्स कर रहा था सो ज़्यादा कुछ तो नहीं है ट्रैक्स में, लेकिन दो चीज़ें हैं वोकल्स एंड यूकेलेले। सो ये एक अच्छा एग्जांपल रहेगा बिकॉज ये जो प्लगइन है काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ हुई है। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और देखते हैं ये जो प्लगइन है फ्रेश एयर जिसकी इतनी सारी मतलब तारीफ हो रही है, क्या ये प्लगइन उस तारीफ के लायक है या नहीं। सो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड वहाँ देखते हैं। सो गाइज, ये है मेरा प्रोजेक्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड ये काफ़ी सिंपल एंड छोटा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक वोकल है एंड हमारे पास एक यूकेलेले है। सो बाकी ये जो आप ट्रैक्स देख रहे हो ये सिर्फ हमने ट्राई किए थे, मींस जो रिकॉर्ड हम करते हैं डमी वोकल्स वो करे थे। सो एक बारी मैं आपको सिर्फ यूकेलेले प्ले करके सुनाता हूँ। सो इसको सोलो करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये, एंड यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसिंग मैंने नहीं करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ईक्यू करा है, जो इसकी फ्रिक्वेंसीज है उसमें थोड़ा सा कट करा है सो दैट जो वोकल्स हैं वो थोड़े से एनहेंस हो जाए, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंप्रेशन ऐड करा है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश एयर प्लगइन को ऐड करा है यूकेलेले पर भी। सो एक बारी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ, एंड अभी फ्रेश एयर प्लगइन जो है वो एक्टिवेट है, सो बीच में मैं इसको डिसेबल करूंगा सो आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट यहाँ पे आता है। सो जैसा कि आपने सुना एक उसमें टच आ रहा था, शाइन आ रही थी यूकेलेले में। सो एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितना ऐड करा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ जो मिड एयर है वो मैंने 6% ऐड करा है। मैं एक बारी फिर से आपको सुनाता हूँ। बहुत ही स्लाइटली सा यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मैंने इसको यूज़ करा है, एंड थोड़ा सा जो यूकेलेले है उसमें शाइन आ गई है फ्रेश एयर प्लगइन को ऐड करने से। सो अब वापस आते हैं अपने वोकल्स पे। सो यहाँ पे वोकल्स मैं एक बारी आपको सुनाता हूँ। सो वोकल्स को सोलो कर लेते हैं। Well, you done me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you so hard that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. So, यहाँ पे ये जो वोकल्स हैं आप देख सकते हो ये घर में रिकॉर्ड हुए हैं, एंड अब एक बारी मैं सारी जो प्लगइन्स हैं उसको ऑफ करता हूँ, देन उसके बाद आपको सुनाता हूँ। सो यहाँ पे दो मेरे पास ऑडियो इफेक्ट रैक्स हैं, सो इन दोनों को मैं करता हूँ ऑफ, और अब सुनते हैं। Well, you done me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you so hard that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my best. Is nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn. So यहाँ पे जो first audio effect rack है यहाँ पे मैंने कुछ प्लगइन्स यूज़ करी हैं, एंड जो सेकंड है वहाँ पे बेसिकली मैंने रिवर्ब यूज़ करा है। सो अब स्टार्टिंग से चलते हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने इसमें ऐड करा है एक ऑटो ट्यून, सो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लाइटली सा यूज़ करा है,
सी मेजर स्केल है एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा जो अपना वर्क है वो कर रहा है। सो एक बारी मैं इसके साथ आपको सुनाता हूँ, बाकी प्लगइन्स को कर देता हूँ ऑफ। सो यहाँ पे सिर्फ ऑटो ट्यून ऑन है, सो एक बारी सुनते हैं। एंड यहाँ पे रिवर्ब भी ऑन है, सो रिवर्ब को भी अभी ऑफ कर देते हैं। Well, you turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you saw how that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cooldown run out, I'll be giving it my best. Nothing's gonna stop me but divine into. So, जैसा कि आप सुन सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑटो ट्यून है वो अपना वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो वोकल्स हैं, ये जो ट्रैक है, ये सिर्फ हमने ऐसी डमी के लिए ऐस यूज़ करा था। मतलब आप ये समझ सकते हो मजाक मजाक में बैठे थे और हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। सो काफ़ी नॉइस भी है पीछे, बट ओवरऑल जब ये ट्रैक चलता है सो काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है एक फैप फिल्टर का प्रो टी एस, दैट मीन्स डी एस आर यूज़ करा है। सो जो एसेज हैं उसको थोड़ा सा डंप करने के लिए, थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पे ये कुछ सिंपल सा यहाँ पे मैंने प्रीसेट यूज़ करा है, फीमेल स्प्लिट बैंड। देन उसके बाद बारी आती है कंप्रेसर की। सो यहाँ पे मैंने यूज़ करा है सी एल ए टू ए। सो यहाँ पे बहुत ही स्लाइटली सा कंप्रेसर है, मैं आपको सुनाता हूँ। Well, you turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you saw how that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cooldown run out, I'll be giving it my best. Nothing's gonna So, जैसा कि आप सुन सकते हो, यहाँ पे gain reduction बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने ये प्लगइन ऐड करी है सो दैट एक थोड़ा सा इसमें जो है वेट आ जाए, जो इस प्लगइन का टेस्ट है वो थोड़ा सा आ जाए। सो एक बारी मैं आपको यहाँ से इसको ऑन ऑफ करके सुनाता हूँ। Trying to get back before the cooldown run out, I'll be giving it my best. Nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn. सो हल्का सा आप सुन सकते हो, थोड़ा सा जो है वॉल्यूम बूस्ट हुआ है, थोड़ा सा एक्साइटिंग हुआ है। सो इसलिए मैंने ये प्लगइन को यूज़ करा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है एक फैप फिल्टर का प्रो क्यू 3। सो यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ मैंने लोस कट करी हैं, बाकी और कोई भी फ्रिक्वेंसी कट मैंने नहीं करी है। सो सुनते हैं एक बारी। Well, you turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you saw how that I melted. Fell right. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हल्की सी हमने लोस कट करी है, दैट्स इट। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ करा है जो मेन प्लगइन है मेरी, वो है फ्रेश एयर। सो एक बारी यहाँ से Well, you turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you saw how that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. सो आप सुन सकते हो, इस प्लगइन को ऐड करने से ही एक एक्साइटिंग जो मिड फ्रिक्वेंसीज हैं उसमें एक एयर ऐड हुई है जो कि हमने इस प्लगइन से करी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मिड मैंने जो है मिड में मिड एयर ऐड करा है 14% एंड हाई एयर ऐड करा है 3%। सो एक बारी फिर से सुनते हैं। Well, you turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you saw how that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cooldown run out. So, जैसा कि आप सुन सकते हो, एकदम ही जो साउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थोड़ा सा लग रहा है। सो यहाँ पे उसके बाद मैंने ऐड करा है एक और कंप्रेसर, जो यहाँ पे मैंने CLA 2A यूज़ करा था, वहाँ पे ज़्यादा कंप्रेशन नहीं हो रहा था जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप बोल सकते हो ही नहीं रहा था। देन यहाँ पे मैंने एक और कंप्रेसर यूज़ करा है आर वॉक्स, एंड यहाँ पे मैंने वोकल्स को थोड़ा सा कंप्रेस करा है और बहुत स्लाइटली, बिकॉज ये जो वोकल्स रिकॉर्ड हुए हैं यहाँ पे डायनामिक रेंज ज़्यादा नहीं है। सो एक बारी मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। You turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you saw how that I melted. Fell right through the cracks. Now. So ये है कुछ मेरी प्रोसेसिंग चेन। देन उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे फैप फिल्टर का Q3 यूज करा है। आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पे मैंने हाईस को कट किया है बिकॉज एयर जो है वो ज़्यादा हो रही थी, हाई फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा हार्श हो रहा था। सो ये है मेरी एक वोकल प्रोसेसिंग चेन। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिवर्ब को भी ऑन कर लेता हूँ और अब एक बारी आपको सुनाता हूँ। एंड बीच में अब मैं सिर्फ ऑफ करूँगा फ्रेश एयर प्लगइन को।
Well, you tan me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you so hard that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cooldown run out, I'll be giving it my bestest. Nothing's gonna stop me but divine intervention. A record. So, आप सुन सकते हो फ्रेश एयर को जब हमने डिसेबल किया था, ऑफ किया था, तो साउंड में क्या फर्क पड़ गया था. मतलब एकदम ही फ्लैट थोड़ा सा साउंड कर रहा था. एंड जैसे ही हमने इस प्लगइन को ऐड करा है, सो आप साउंड सुन सकते हो कितनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, खासकर वोकल्स जो है हमारे हैं. सो यहाँ पे मैंने आगे रिवर्ब भी यूज़ करा है. यहाँ पे मैंने जो रिवर्ब यूज़ करा है वो है वैलहेला की तरफ से, वैलहेला रूम. सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ड्राई सिग्नल, देन उसके बाद वेट सिग्नल है, और उसको थोड़ा सा मैंने साइड चेन किया है, सो दैट वो जो सिग्नल है, रिवर्ब का सिग्नल है, वो हमारे वोकल्स के साथ क्लैश ना करे. सो ये है कुछ प्रोसेसिंग चेन. अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको सुनाता हूँ. सिर्फ ये दो ट्रैक्स हैं, ये वोकल है एंड यहाँ पे हमारे पास है यूकेलेले. सो एक बारी सुनते हैं. So, जैसा कि आप सुन सकते हो, मैं पूरा ट्रैक प्ले अभी वैसे नहीं करूंगा बिकॉज कॉपीराइट का इशू हो सकता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंस्ट्रूमेंट है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है एंड एक वोकल है. एंड क्या ये साउंड कर रहा है? लो रीजन में बेस में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा कवर है ये. एंड आप जो मेन चीज मैं अगर आपको बताऊं, सो आप ये देख सकते हो कहीं भी क्लिप नहीं हो रहा है. मैं फिर से प्ले करता हूं, आप देखना कोई भी प्लगइन रेड नहीं सिग्नल शो कर रही होगी आपको. Well, you turned me and you bet I felt it. Tried to be chill, but it's so hard that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. सो जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी चीज़ क्लिप नहीं कर रही है. एंड यहाँ पे मास्टर पे मैंने दो चीज़ें ऐड करी हैं, दो इफ़ेक्ट्स ऐड करे हैं, जो कि है फैब फिल्टर का प्रोसीड 2. थोड़ा सा मैंने इसमें कंप्रेस करा है सो दैट जो यूकेलेले है एंड जो वोकल्स हैं वो थोड़े से ग्लू हो जाएं. सो यहाँ पे देन उसके बाद थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है फैब फिल्टर का प्रो एल. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 dB इसमें गेन ऐड करा है सो दैट एक हमारे को अच्छा आउटपुट मिले. So, यहाँ पे एक बारी फिर से प्ले करते हैं, सुनते हैं. You turned on me and you bet I felt it. Tried to be chill, but it's so hard that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cooldown run out, I'll be giving it my bestest. Nothing's gonna stop me but divine intervention. So, जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे रिवर्ब भी हमने काफ़ी स्लाइटली यूज़ करा है. आपको अगर आप सिर्फ वोकल सुनोगे सो इतना आपको रिवर्ब लगेगा ही नहीं, लेकिन रिवर्ब हमने बहुत ही स्लाइटली यूज़ करा है सो दैट वो यूकेलेले के साथ मिक्स हो जाए. जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो ट्रैक है सिर्फ हमने फन के लिए किया था, ऐसा कोई प्रोफेशनल एक ट्रैक हमने नहीं बनाया था. सो गाइस, ये जो प्लगइन है अमेजिंग प्लगइन है यार. जैसा कि आपने इसके रिजल्ट्स देखे, यूकेलेले पे भी ऐड करे थे, वोकल्स पे भी ऐड करे थे, जो मिड एयर है वो अमेजिंग है, एकदम अमेजिंग फील उससे आ जाता है. इस प्लगइन का मुझे बस एक ही कॉन लगा कि जब आपको इसे यूज करना है सो ये ऑनलाइन ही वर्क करेगा, ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा. मेरे सिस्टम में वैसे पूरे टाइम कनेक्टेड रहता है ब्रॉडबैंड, मेरा पीछे ही मॉडम पड़ा है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनका जो इंटरनेट कनेक्शन है उनके पास नहीं होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है. सो उनके लिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है. बाकी परफॉर्मेंस वाइज ये प्लगइन अमेजिंग है, 10/10 मेरी तरफ से इस प्लगइन को मिलते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये प्लगइन कैसी लगी अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो.
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है या क्वेरीज है सो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हो इस प्लगइन के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, और साथ में आप सजेशंस भी दे सकते हो कि हमें और कौन सी वीडियोज़ बनानी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।